एपिसोड 198 लेकर आ गए हो अर्बन कल्टीवेटर का। फिर चैन वापस आ जाता है, तभी लू बोलती है, डीटी चैन, वो आदमी ने ये बोट पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया है। तभी लिसा बोलती है, मेरा एडवाइस लो और कहीं पर रुक जाओ, और मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पत्थर चाहिए, फिर मैं ये बोट को अपडेट कर दूंगी, क्योंकि तुम्हारा बोट बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है। चैन बोलता है, ठीक है, वैसे भी मुझे काम करना है। फिर हमें अगले सीन में उलान स्टार में दिखाया जाता है। एक जगह में बहुत ही ज़्यादा ग्रुप जमा होते हैं। एक लड़का बोलता है, ये स्पिरिचुअल फॉग जल्दी ही हटने वाला है, चारों बड़े फैमिली आराम से जाइएगा, प्लीज़ एक दूसरे से मुकाबला मत करिएगा और साथ में काम करिएगा। तभी एक लड़की बोलती है, हे ब्रदर, क्या ये स्पिरिचुअल कैनन खुलने वाला है क्या? उसका भाई बोलता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन कहीं खोना मत। सुई बोलती है, जब हम लोग गुफा में जाएंगे, हमें सबसे ताकतवर स्पिरिचुअल ब्रांच को खोजना होगा, जहाँ पर हमें स्पिरिचुअल पत्थर मिलेगा, फिर उसकी मदद से हमारा इमॉर्टल फ्रूट बहुत ही लंबे समय तक चलेगा ना। व्यू बोलता है, बिल्कुल, और मेरे साथ ही चलना, और जैसा मैं बोलूँगा वैसे ही काम करना। सुई बोलती है, ठीक है, मैं अपना पूरा दम लगा दूंगी। व्यू बोलता है, वाह, मैं तुम्हें इतना देर से समझा रहा था और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। स्टार फैमिली का कैप्टन बोलता है, क्या सब कुछ हमारे कंट्रोल में है ना? वो लड़की बोलती है, चिंता मत करिए, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। यूलॉय हॉली पैलेस के सेम मेंबर डिवाइन लेवल के हैं, वो लोग जो भी लेने आए हैं हमें भी वही चाहिए। ये सो फैमिली यहाँ से एक भी पत्थर ले नहीं जा पाएंगे, मुझे लग रहा है कि ये लोग वापस भी नहीं आ पाएंगे। फिर वो चारों फैमिली के लोग वो गुफा के अंदर जाने लगते हैं। तभी मास्टर बोलता है, शिव और बाकी के सभी बच्चे बाहर में ही रहेंगे। वी बोलता है, ठीक है सर। मास्टर बोलता है, हे वी, तुम हमारे साथ चलो। वी बोलता है, मेरा अभी एज नहीं हुआ है, मुझे अभी अगले महीने तक वेट करना होगा। फिर वो उसे गुस्से से देखने लग जाता है। व्यू बोलता है, हे शिव, तुम यहीं पर इंतज़ार करो, मैं काम ख़त्म करके कुछ देर के बाद आऊँगा। शिव बोलती है, ठीक है भाई, मैं अपना पूरा दम लगा दूँगी। मास्टर बोलता है, ये बाकी के तीन फैमिली स्ट्रेट क्यों जा रहे हैं? क्या वो लोग यहाँ के ब्रांचेस को खोदने वाले नहीं है क्या? तभी अचानक से कोई वी को मार डालता है। वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, कौन है वहाँ पर, सामने आओ। तभी अचानक से वो उन लोगों को भी मार डालता है। फिर उसके बाद शिव फैमिली के मास्टर को भी मार डालता है और बोलती है, हे बूढ़े इंसान, अभी तक तुम मरे नहीं हो क्या? क्या तुम्हें मरने से पहले कुछ बोलना है क्या? मास्टर बोलता है, ऐसा तुम क्यों कर रही हो? वो लड़की बोलती है, ओ तुम पूछ रहे हो कि मैं ये क्यों कर रही हूँ? क्योंकि तुम्हारे फैमिली को मरना ही चाहिए। यहाँ का ब्रांचेस दिन ब दिन बहुत ही कम होते जा रहा है और चारों फैमिली से तुम्हारा फैमिली बहुत ही बढ़ते जा रहा है। हम सभी में से तुम्हारा फैमिली के लोग बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए तुम बहुत ही ज़्यादा पत्थर ले जाते हो। अब तुम्हारा फैमिली नहीं है, इसे हम तीनों का फैमिली बहुत ही बढ़िया काम करेगा। तभी एक आदमी बोलता है, हे सैंग, वो लोग कुछ बच्चे बाहर में रखे हुए हैं। दूसरा आदमी बोलता है, बच्चे, हमें मारना होगा उन्हें, मैं सही में उन्हें मारना नहीं चाहता हूँ। सैंग बोलती है, तो क्या उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? वो बड़ा होकर अपने फैमिली का बदला लेंगे, इससे हमारे लिए मुसीबत पैदा होगा। तभी अचानक से उसका कोई गला को काट डालता है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं, ये क्या, कौन हम पर हमला कर रहा है? सभी फैमिली को मारने के बाद तुम लोग हमें मारना चाहते हो क्या? फिर वो लोग बोलते हैं, नहीं, ये हमारे फैमिली से नहीं है। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है, बोलता है, सही में तुम लोग तो एकदम बेकार हो, मैं एकदम सही जगह में आया हूँ, ये वुलन का स्पिरिचुअल कोड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस और प्योर रॉक है, यूलन होली पैलेस इसे 100 सालों से कंट्रोल कर रहे हैं। पिछले जन्म में मैं यहाँ पर गलती से आ गया था और ये कोड को यहाँ से ले गया था, जिसे मैं ये जगह का दुश्मन बन गया। लगता है कि इस बार मैं ये जगह का पहले दुश्मन बनूंगा। फिर वो एक ही वार में बहुत सारे लोग को मार डालता है। दूसरी तरफ वो सभी लोग स्पिरिचुअल पत्थर का पूजा कर रहे होते हैं। तभी अचानक से उनका साथी का लाश वहाँ पर गिरता है। वो सभी लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं, ये क्या हुआ, ये लोग कैसे बढ़ गए, क्या ये सू फैमिली का कोई जाल था क्या? लगता है कि वो फैमिली से हमें कोई धोखा दे दिया है। दूसरा आदमी बोलता है, हे तुम्हें क्या लग रहा है, ये हमारा काम है। तभी चैन बोलता है, मुझे तुम्हारा फैमिली के ड्रामा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं यहाँ पर ये स्पिरिचुअल कोड ले जाने आया हूँ। तभी एक आदमी बोलता है, तुम मेरे फैमिली को मार डाले, क्या तुम शिव फैमिली से हो क्या? चैन बोलता है, मेरा समय बर्बाद मत करो, हट जाओ। तभी एक आदमी चला के बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यूलन हॉली पैलेस में हो, क्या तुम अकेले हम सभी को चैलेंज करने वाले हो क्या? तभी चैन उसका गला को काट डालता है और बोलता है, सही में तुम बहुत ही बकवास कर रहे हो। मास्टर बोलता है, सही में तुम्हारा ताकत बहुत ही बढ़िया है, तुम्हारे सामने हम लोग चीटी के बराबर हैं, लेकिन चीटी लोग भी जिंदा रहना चाहते हैं। अगर हमारे स्पिरिचुअल कोड यहाँ से चला गया तो ये पूरा स्टार रिम तबाह हो जाएगा। कैसा रहेगा कि तुम ये एक ब्लैक जेट से हॉली पैलेस से कॉन्टेक्ट करो, वो जैसे ही हाँ बोल देंगे मैं ये स्पिरिचुअल कोड तुम्हें दे दूंगा,
चैन बोलता है, सही में तुम्हें लग रहा है कि मुझे किसी का परमिशन का जरूरत है? जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार डालूंगा। वो आदमी बोलता है, क्या तुम सही में होली पैलेस का दुश्मन बनना चाहते हो? चैन उसे इग्नोर करते हुए स्पिरिचुअल पत्थर की ओर जाता है। फिर वो ब्लैक जेट की मदद से बोलता है, हे होली पैलेस को बता दो कि हम पर हमला हुआ है और सीक्रेट स्पेल की मदद से इसे पता करो कि ये कहाँ पर जाएगा। दूसरी तरफ चैन स्पिरिचुअल पत्थर को देखते हुए अपने मन में बोलता है, मैं यहाँ पर 400 से 500 साल पहले आ गया हूँ। ये स्पिरिचुअल पत्थर बहुत ही ज़्यादा यंग है, लेकिन मुझे इसी से काम करना स्टार्ट करना होगा। फिर वो स्पिरिचुअल पत्थर को उठाने लगता है, तभी वहाँ के लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं, धत्ते रिकी, ये स्पिरिचुअल पत्थर को उठा दिया, अब किसी देर में ये जगह तबाह हो जाएगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर चैन वो स्पिरिचुअल पत्थर लेकर वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ वो सभी बच्चे लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं, ये स्पिरिचुअल कैनन इतना हिल क्यों रहा है? क्या नीचे में कोई प्रॉब्लम है क्या? सुई बोलती है, लेकिन मेरा भाई तो अभी तक आया नहीं बाहर। तभी एक लड़का बोलता है, देखो कोई आ रहा है वहाँ से, लेकिन ये कोई इंसान नहीं लग रहा है। तभी चैन स्पिरिचुअल पत्थर लेकर बाहर आ जाता है। सुई चिल्ला के बोलती है, हे तुम कर कह रहे हो, ये स्पिरिचुअल पत्थर नीचे रख दो। वो बच्चे लोग बोलते हैं, हे सुई वापस आ जाओ। चैन बोलता है, ओ तुम्हारा नाम सुई है? तभी सुई बोलती है, वो कुर को यहीं पर रहने दो और यहाँ से निकल जाओ। तभी चैन अपने मैजिक से उसे अपने पास ले आता है। सुई बोलती है, ये कुर को यहीं पर रहने दो और यहाँ से निकल जाओ। चैन बोलता है, ये गुफा के सभी लोग मारे गए हैं। सुई शॉक्ड होकर बोलती है, क्या तुम बोलना चाहते कि मेरा भाई और मेरा सभी फैमिली मारे गए? तुमने उन सभी को मारा है ना? चैन उसे नीचे रख देता है और बोलता है, मेरे पास इतना समय नहीं है तुम्हें ये एक्सप्लेन करने का। याद रखो, जिसके पास ताकत है वो सब कुछ कर सकता है। मेरा नाम याद रखना, मैं हूँ चैन बैक्सियोन। तभी चैन स्पिरिचुअल कोर को वापस ले आ जाता है। जैंग और लिसा ये देखकर शॉक्ड हो जाती है, बोलती है, ये सही में बहुत ही बढ़िया मटेरियल है। चैन बोलता है, मैं यहाँ पर 2 हफ्तों के लिए रहूँगा, तुम दोनों ये देखना कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। जैंग बोलता है, चिंता मत करिए, वैसे भी यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं है और हम लोग आराम से यहाँ के सभी लोकल मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। चैन बोलता है, ये प्लैनेट के सभी लकड़ी में नेचुरल स्पिरिचुअल एलिमेंट है, मुझे जो चाहिए मैं इसे ले लूँगा। हे यन, मैं ये कोड का इस्तेमाल करके तुम्हारे ज़िंदगी को लंबा करने वाला हूँ और मैं तुम्हारे बॉडी को फिर से रिकवर कर दूंगा। फिर वो स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है और यन का फिजिकल बॉडी को बनाने लगता है। फिर हमें 7 दिन के बाद दिखाया जाता है। चैन बोलता है, कैसा लग रहा है तुम्हें? यन बोलता है, मुझे बहुत ही हल्का लग रहा है। मास्टर आपने मुझे क्या दूसरा जन्म दिया है? मास्टर आपका सही में शुक्रिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसका भरपाई कैसे करूँगा। मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं आपका पूरा ज़िंदगी सेवा करूँगा। चैन बोलता है, तुम्हारा आत्मा वैसे भी तबाह होने वाला था, इसलिए मैं छोटे प्लैनेट से ये स्पिरिचुअल कोड लाकर तुम्हें ज़िंदा किया हूँ। फिर भी ये उतना भी ज़्यादा ताकतवर नहीं है। यन बोलता है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मुझे फिर से ज़िंदगी मिला है और उसके अलावा ये बॉडी पहले से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तो मुझे किस बात का कंप्लेन होगा? चैन बोलता है, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछना है। यन बोलता है, ठीक है मास्टर। फिर वो लोग बोट के अंदर आ जाते हैं। चैन बोलता है, तुम लोगों को खोजने से पहले मुझे बहुत ही ज़्यादा तैयारी करना था, इसलिए मैं लेट हो गया। यन बोलता है, मास्टर तो ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल हुआ होगा। चैन बोलता है, तुम मेरे फैमिली के साथ थे ना जब क्वांग को यहाँ से उठाकर ले जा रहा था? यन बोलता है, नहीं, मुझे तो पहले नेसल सोल ले गया था जब मैं आपके फैमिली को खोजने गया था। चैन बोलता है, वो कौन है? यन बोलता है, जब आप पृथ्वी को छोड़कर यूनिवर्स में खो गए थे, बिगॉन्ग सेक्टर के हर एक मेंबर को पता था कि आपको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन 2 साल बाद मुझे हेडक्वार्टर से फ़ोन आया था। वो लोग बोल रहे थे कि आपकी पत्नी गायब हो गई है, फिर उसके बाद आपके फैमिली के बहुत सारे मेंबर अचानक से गायब होने लग गए। पहले मुझे लगा था कि कोई दुश्मन उन्हें किडनैप कर लिए होंगे, लेकिन हमें कोई भी खबर नहीं मिला। फिर बिगॉन्ग सेक्टर के सभी लोग उसे खोजने लग गए, लेकिन हम लोग 1 साल तक खोजे फिर भी हमें कोई भी सबूत नहीं मिला। उस समय सनशाइन और बाकी के सेक्टर बिगॉन्ग सेक्टर को कमज़ोर करते रहे। बिना हेडक्वार्टर के सपोर्ट और प्रोटेक्शन से हम लोग बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव कर पा रहे थे। और मुझे कुछ खोजने के बाद एक क्लू मिल गया था जो कि एक गुफा की ओर जा रहा था। तभी अचानक से स्पिरिचुअल एंसेस्टर मुझे आकर पकड़ लिया और वो बोल रहा था कि मेरे अंदर जाना पहचाना गंध है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर वो सोल सर्चिंग स्पेल का इस्तेमाल करके मेरे अंदर देखा। ऐसा लग रहा था कि मेरा आत्मा फट रहा है। फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लग गया और मैं बेहोश हो गया। उसी दिन के बाद मैं आपको यहाँ पर देख रहा हूँ। चैन अपने मन में बोलता है, ये फिर से 5 एलिमेंट इमॉर्टल सेक्टर है, क्योंकि यन मेरे साथ बहुत ही समय से था। वो मेरे साथ ट्रेनिंग करते हुए उसके अंदर किंडी का गंध आ गया होगा।
तो इसका मतलब सही में वो किंडी का बेटा मारा गया है। हे यन, जाकर आराम कर लो और ये बॉडी को कंट्रोल करना। फिर हम लोग यहाँ से 5 एलिमेंट इमोर्टल सेक्टर जा रहे हैं। ये सुनकर यन बहुत ही कांपने लग जाता है। चैन बोलता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है क्या? यन बोलता है, मास्टर मैं सही बोलूँ तो जो वो मेरे आत्मा को सर्च कर रहा था वो मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था उसके कारण। लियो बोलता है, चिंता मत करो, ये सब कॉमन है, तुम इसे अपने ताकत में बदल लो और आगे बढ़ो। अगर तुम ये डर पर काबू कर लोगे तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे। यन बोलता है, ठीक है मास्टर, मैं अपना पूरा दम लगाऊंगा। फिर वो ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है।